नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी देते हुए एसीपी अजय मिश्रा ने बताया कि महिला के पति द्वारा लंबे समय से कार और अन्य सामानों की मांग की जा रही थी और साथ ही महिला को शारीरिक रूप से भी सताया जा रहा था, जिसकी शिकायत महिला ने आकर थाने ऐशबाग में दर्ज करवाई। इस आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है। भोपाल से केकेआर न्यूज के लिए संवाददाता रईस खान की रिपोर्ट। जून 2022 में प्रशांत और उनकी पत्नी का जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। विवाह के पश्चात जो है पति के द्वारा उसे कार की डिमांड की जा रही थी और अन्य नकदी पैसों की डिमांड की जा रही थी, साथ ही मारपीट भी की जाती थी। शारीरिक संबंधों में अप्राकृतिक जो कृत्य किए जाते थे। इससे परेशान होकर उसकी पत्नी के द्वारा जो है अपने पति के विरुद्ध जो है दहेज की मांग और अप्राकृतिक कृत्य किए जाने की शिकायत की गई, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। सर, जांच में क्या आया? जांच में अभी मेडिकल कराया जा रहा है और साथ ही जो उन्होंने तथ्य बोले उसमें प्रथम दृष्टया तो घटना घटित पाई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई सर? आरोपी गिरफ्तार कर लिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबर की जानकारी के लिए आप बने रहें केकेआर न्यूज के साथ। नमस्कार।